अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। टुडे आवर सब्जेक्ट नेम इज़ मैथ्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, लेट्स रिसाइट द दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन द पेज नंबर 66। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव अ एक्टिविटी। आज हम एक्टिविटी करेंगे एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स एक्टिविटी है, राइट द सम्स ऑफ द थ्री नंबर्स इन द सेंटर ऑफ ईच ट्राइंगल। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, वहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं। लुक फॉर ग्रुप्स ऑफ 10। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक जो है वो आपके लिए सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट आप चेक करेंगे, हमारे पास थ्री नंबर्स हैं ट्राइंगल्स की साइड्स पे, 33, 17 and 19। फर्स्ट वी गोइंग टू ऐड द बिगर नंबर। हमने सबसे पहले कौन से नंबर्स को ऐड करना है जो बड़े हैं हमारे पास? 33 plus 17। 9 जो है वो स्मॉलर देन 33 and 17। सो फर्स्ट हम 33 plus 17 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। देन 50 में यहाँ पे आंसर आया तो मैंने यहाँ पे 50 लिखा। हमने अब ऐड करना है 50 में नंबर 9। 50 plus 9 इज़ इक्वल टू 59। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 59। ओके, अब हम अपने सम्स स्टार्ट करते हैं। हेयर वी हैव थ्री नंबर्स इन ट्राइंगल। हम ट्राइंगल में देखेंगे थ्री नंबर्स हैं बट यहाँ पे आंसर नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से नंबर हमारे पास बिगर हैं। 37 and 21 आर बिगर देन नंबर 9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 37 plus 21। सो आंसर इज, हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है? 58 को प्लस करना है 9 में, बिकॉज अब हमारे पास जब 37 plus 21 है तो नेक्स्ट नंबर अब लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा? नंबर 9। सो आंसर हमारे पास क्या आया? 37 plus 21 इज 58 plus 9। सो नाउ व्हिच नंबर इज कम्स आउट? 67, ठीक है। सो आर आंसर इज 67। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने इसी तरह सॉल्व करना है जैसे टीचर ने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया है। जैसे आपने टू बिगर नंबर्स को फर्स्ट ऐड करना है, देन आपने लास्ट नंबर को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा आपने यहाँ पे ब्लॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 67, पेज नंबर 67। ओके स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ड प्रॉब्लम एडिशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया था बट वहाँ पे हमने टू डिजिट्स प्लस सिंगल डिजिट वैल्यू को हमने ऐड किया था, बट यहाँ पे हमें टू डिजिट्स नंबर्स को ही ऐड करना है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी टू डिजिट्स है और सेकंड वैल्यू भी टू डिजिट्स है, ठीक है। सो हियर वी स्टार्ट आवर वर्क। राइट द सम इन द बॉक्स एंड फाइंड द आंसर। हमने सम को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, देन सॉल्व द आंसर। हमने आंसर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ताहिर हैज़ 14 कॉइन्स। ताहिर के पास कितने कॉइन्स थे? 14। और जमाल के पास कितने कॉइन्स हैं? 23। जमाल हैज़ 23 कॉइन्स, ठीक है। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर ऑल टुगेदर? अब दोनों के पास, ताहिर एंड जमाल के पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, 4 plus 3 is equal to 7। देन 1 plus 2 is equal to 3। 37, आंसर इज 37। इट्स मीन्स ताहिर एंड जमाल हैव 37 कॉइन्स। दोनों के पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? 37। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रहमान प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस इन वन ईयर। रहमान ने 15 क्रिकेट मैचेस को खेला है एक साल में, वन ईयर, एंड 12 मैचेस इन द सेकेंड ईयर। और दूसरे साल में कितने मैचेस खेले हैं? 12। हाउ मैनी मैचेज डिड ही प्ले इन द टू ईयर्स? दोनों साल में टोटल उसने कितने मैचेस खेले हैं? तो हम टोटल करेंगे 15। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 15। देन प्लस 12, फर्स्ट वन ईयर में क्या है? फर्स्ट ईयर जो था उनमें रहमान ने 15 क्रिकेट मैचेस खेले थे, देन सेकेंड ईयर में उन्होंने 12 मैचेस खेले हैं, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे, 5 plus 2 is equal to 7। 1 plus 1 is equal to 27। इट्स मीन रहमान के टोटल मैचेस कितने हो गए? 27। रहमान प्ले 27 मैचेस इन द टू ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपने खुद घर पे करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडेज वर्क। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आस्क टू योर मदर एंड वॉच दिस वीडियो अगेन।
आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक. टिल देन अल्लाह हाफिज़. जज़ाकअल्लाह.